गुड मॉर्निंग। ये मंडे मॉर्निंग है और आज लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 12th के। क्लास 12th के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, क्लास 12th में इससे पहले वाले दिनों में क्या पढ़ा रहे थे? वेव्स पढ़ा रहे थे, और वेव्स में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग पर बात करना, रिफ्लेक्शन पर बात करना स्टार्ट किया था। तो रिफ्लेक्शन में मैंने बताया था कि दो तरह का वेव में रिफ्लेक्शन होता है। अगर एक रिजिड सपोर्ट से रिफ्लेक्शन होगा तो वेव जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, और साथ ही साथ वेव में हमने देखा था कि वेव का क्या होता है, जो फेज होता है वो 180 डिग्री से चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने फॉर्मूला लिख के रखा है, ये फॉर्मूला अभी काम में आएगा, ये मैंने कल इससे पहले वाले लेक्चर में ड्राइव कर लिया था, अभी काम में भी आने वाला है। मान लो हमने ऐसा बोला कि एक वॉल है, और वॉल से हमने क्या किया था, ऐसा एक थ्रेड बांध दिया था। अगर एक वेव को हमने इस तरह से भेजा है, और वेव का सपोज इक्वेशन था, जो इंसिडेंट वेव है, अगर उसका इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो जब ये रिफ्लेक्ट होके वापस आता है तो रिफ्लेक्ट होके वापस ही ऐसा है। एक तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वाई रिफ्लेक्टेड का क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो इसका इक्वेशन ऐसा आ जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस kx का ये इक्वेशन आ जाएगा। और साथ ही साथ अगर देखोगे तो इस वाले में और इस वाले में पाई का फेज चेंज आ गया है, तो यहाँ पे प्लस पाई का फेज चेंज भी लिख देते हैं। ये इंसिडेंट वेव होता है और ये रिफ्लेक्टेड वेव होता है, इस तरह से। अच्छा, फिर हमने एक और तरह का रिफ्लेक्शन बताया था। एक और तरह का रिफ्लेक्शन है कि अगर हमने क्या किया है, एक फ्री एंड, फ्री एंड का मतलब है एक मासलेस रिंग था यहाँ पर, ऐसा रिंग जिसका कोई मास नहीं है, एक मासलेस रिंग है, इसको हमने बोला था फ्री एंड। अगर फ्री एंड से वाइब्रेशन के लिए आप कोई वेव भेजते हो, ऐसा फ्री एंड से अगर वाइब्रेशन होता है तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी रिफ्लेक्टेड वेव है बस उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मतलब अगर इस केस में इंसिडेंट वेव जो है वो ए साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स का है, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव आएगा वो आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इस तरह से मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के बारे में आपको बताया था। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में ये जो रिफ्लेक्शन का पैटर्न है, ये पहला पैटर्न हो गया, ये दूसरा पैटर्न हो गया। अब इसमें क्या करेंगे ना, ये सब मैंने आपको बता दिया है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, इसको हम मैथमेटिकली भी फाइंड आउट करके देखेंगे। अब मैथमेटिकली फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया था, सुपर पोजिशन के बारे में बात करते हैं। जब दो स्ट्रिंग्स साथ साथ अटैच होगा, जब दो स्ट्रिंग साथ साथ अटैच होगा, तो मैंने क्या किया था, एक ऐसा मोटा सा स्ट्रिंग लिया था, और इसी से हमने क्या किया था, एक पतले से स्ट्रिंग को ऐसे अटैच कर दिया था, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो मोटा सा स्ट्रिंग है, इस मोटे से स्ट्रिंग में हमने क्या किया था, एक ऐसे वेव भेजा था। तो ये जो वेव है वो इंसिडेंट वेव था, ए इंसिडेंस, इसका ये एम्पलीट्यूड हो गया। सपोज ये वाई इंसिडेंस जो हमने भेजा था, वाई, तो वाई इंसिडेंस का अगर कोई इक्वेशन लिखता है तो वाई इंसिडेंस का इक्वेशन हो जाएगा ए एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव ए साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अच्छा, अब जब इंसिडेंट वेव इस पॉइंट पर आता है, जैसे ही मीडियम चेंज होता है, मीडियम चेंज हो गया, अगर यहाँ पर ये जो मीडियम था, जैसे यहाँ पर हमने ऐसा बोला कि जिस रेयरर और डेंसर मीडियम, इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, इसमें अगर स्पीड ऑफ वेव वी वन है और इसमें अगर स्पीड ऑफ वेव वी टू, तो वी टू जो है, अब जिस भी मीडियम में स्पीड ऑफ वेव ज्यादा होता है वो डेंसर होता है, तो वी टू का वैल्यू क्या है, सॉरी, जिस भी मीडियम में स्पीड ऑफ वेव ज्यादा होता है वो रेरर मीडियम होता है, तो वी टू का स्पीड जो था, वी टू का जो स्पीड है वो ज्यादा है, तो वो रेरर मीडियम होगा। अब कैसे पता सर वी टू का स्पीड ज्यादा है, तो दोनों धागों में जो टेंशन है ना, जितना टेंशन इधर होगा उतना ही टेंशन इधर होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो जंक्शन वाला पॉइंट है वो आगे पीछे भागना स्टार्ट करता खुद से, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। इसका मतलब जितना टेंशन मोटे वाले स्ट्रिंग में है उतना ही टेंशन पतले वाले स्ट्रिंग में भी है। अगर वी वन का वैल्यू लिखना है तो वी वन को लिखते हैं टी डिवाइडेड बाई म्यू वन, म्यू वन होता है मास पर यूनिट लेंथ। उसी तरह अगर वी टू का वैल्यू लिखना होता था तो टी डिवाइडेड बाई म्यू टू। अब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो स्ट्रिंग मोटा होगा, मोटे वाले स्ट्रिंग के लिए म्यू वन का वैल्यू ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू म्यू टू। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि जो वी टू जो स्पीड है, वी टू जो स्पीड है उसका वैल्यू ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वी वन। इसका मतलब वी टू एक रेरर मीडियम है और वी वन जो है वो डेंसर मीडियम है। ये रिफ्रैक्शन होता है, जैसे अभी रिफ्लेक्शन पढ़ा दिया था, ये रिफ्रैक्शन है बेसिकली।
अब यहाँ पर क्या होता है, एक इंसिडेंट वेव ऐसा आया, ए इंसिडेंस। अब इसमें क्या होगा, ये जो मीडियम है, ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है, डेंसर से रेयर जा रहा है, ठीक है, डेंसर से रेयर जा रहा है। तो एक वेव यहाँ चला गया था ऐसे, इसको हम बोलते हैं ए ट्रांसमिटेड। जो वेव पतले वाले धागे में चला जाएगा उसको बोलते हैं ए ट्रांसमिटेड, और एक वेव जो है वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगा इसी वेव में। अब सिंस क्या हो रहा है, ये रेयर मीडियम में रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये वापस आ जाएगा इस तरह से। ये ए इंसिडेंस ऐसा जा रहा था, और ए जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा, वाई रिफ्लेक्टेड जो होगा वो इस तरह से वापस आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अब हमने क्या किया था इस सिचुएशन के लिए, अब ए इंसिडेंस, जो इंसिडेंट वेव हमने भेजा है उसका एम्पलीट्यूड अपने को पता होता है, और हमें क्या करना है, ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है, ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव को कुछ अलग कलर से अगर मैं दिखा दूं, व्हाइट से दिखा दे रहा हूं, ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है और ये जो इंसिडेंट वेव है, सॉरी, ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है और ट्रांसमिटेड वेव है, इसका मेरे को इक्वेशन लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब इक्वेशन लिखने के लिए हमें ए ट्रांसमिटेड और ए रिफ्लेक्टेड का जो एम्पलीट्यूड है उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हमने डेरिवेशन किया था और हमने ये देखा था कि जो ट्रांसमिटेड वेव है उसका एम्पलीट्यूड आता है 2v2 ai/v1+v2। ये डेरिवेशन कराया है, डेरिवेशन अगर याद है, समझ में आया है तो ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ एंड रिजल्ट याद रख लेना। ये एंड रिजल्ट क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं अभी सॉल्व करा दूंगा। ए ट्रांसमिटेड का वैल्यू हो जाएगा 2 times of v2 ai v1+v2। डेरिवेशन देखो, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन तो जानना ही नहीं है। अगर आप सिर्फ मेंस मेंस का सोचते हो तब भी आपको सिर्फ एंड रिजल्ट याद रख लेना है, अगर आप एडवांस का सोचते हो तब आपको ये डेरिवेशन भी याद रखना है कि किस तरह से डिराइव करके ला रहे हैं। ये ए ट्रांसमिटेड हो गया, और ये जो ए रिफ्लेक्टेड है, ए रिफ्लेक्टेड का वैल्यू हो जाएगा v2 - v1/v2+v1 times of इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड। इतना हमने डेरिवेशन करके बता दिया था। अब इसको क्या करेंगे ना, ये जो डेरिवेशन हमने किया है इसका अलग अलग एप्लीकेशन में क्या वैल्यू आएगा। जैसे मैंने जब वेव का रिफ्लेक्शन हुआ था तो तुमको बता दिया था कि अगर सॉलिड, अगर रिजिड सपोर्ट से रिफ्लेक्शन होता है तो वेव जो होता है, एक तो उसमें पाई का चेंज भी आ जाता है, और वो क्या करता है, उसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी पीछे हो जाता है। लेकिन जब फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होता है सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आता है। उस समय मैंने आपको बोला था कि मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो अभी मैथमेटिकली भी आपको मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा भाई साहब, चलिए अब देखो मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे। रिफ्लेक्शन फ्रॉम, अगर मैं बात करूं कि मेरे को रिफ्लेक्शन देखना है फ्रॉम रिजिड सपोर्ट, अगर रिजिड सपोर्ट से रिफ्लेक्शन देखना है तो ऐसा कुछ डायग्राम था, ये रिजिड सपोर्ट है। अब यहां पर ये जो v2 है, रिजिड सपोर्ट के लिए ऐसा बोल सकते हैं क्या कि मास पर यूनिट लेंथ का वैल्यू जो होगा बहुत ज्यादा होगा म्यू वन के सामने। अगर ये रिजिड सपोर्ट है तो रिजिड सपोर्ट, ट्रांसमिटेड वेव तो रिजिड सपोर्ट में ही आएगा ना, जो ट्रांसमिटेड वेव है वो रिजिड सपोर्ट में आता है। तो रिजिड सपोर्ट का ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू टू है और इसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू वन है, तो रिजिड सपोर्ट के लिए म्यू टू का वैल्यू जो है वो म्यू वन के सामने बहुत ज्यादा है। अब अगर μ2 का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इस इक्वेशन से हम ऐसा बोल सकते हैं कि v2 का जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट जीरो है, जो v2 का वैल्यू होगा वो ऑलमोस्ट जीरो है, और v1 का वैल्यू कुछ वैल्यू होगा, v1 जीरो नहीं है क्योंकि μ1 का वैल्यू ज्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा भाई साहब, ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ना उसमें आप ए ट्रांसमिटेड वेव का वैल्यू कैलकुलेट करो। तो अगर आप ए ट्रांसमिटेड का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो देखो 2 times of v2, अगर v2 का वैल्यू जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे तो ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्या। और लॉजिकल है भाई साहब, अगर ये वॉल है, अगर तुमने क्या किया, ये धागे को, ये जो धागा था, इस धागे को अगर तुमने ऐसे वॉल से बांध के रखा, ये वॉल है, तो ऐसा तो होता नहीं है कि तुमने वेव अगर धागे में चलाया तो जो वॉल है जिससे तुमने बांध के रखा है वो भी ऐसे ऐसे ऊपर नीचे नाच रहा है, उसमें भी वेव जनरेट हो रहा है, ऐसा तो होता नहीं है ना कि भाई तुमने अंबुजा सीमेंट लगा के अच्छा खासा वॉल बनाया होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि तुम जिम में जब ऐसे ऐसे वे जब रोप को जगल करते हो तो जो वॉल होता है वो भी ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है, ये तो होता नहीं है। तो ए ट्रांसमिटेड का वैल्यू जीरो आना चाहिए था, लॉजिकली हमको समझ में आ रहा है, मैथमेटिकली भी आ रहा है जीरो। अच्छा भाई साहब, ए रिफ्लेक्टेड का वैल्यू देखते हैं। अगर ए रिफ्लेक्टेड का वैल्यू देखोगे तो ये जो v2 है, v2 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो है, तो यहां से जीरो अगर आप गायब कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में v1/v1 times of ai। माइनस वी वन प्लस ये वी वन कैंसिल हो गया, तो जो ए रिफ्लेक्टेड है, उसका वैल्यू आ रहा है माइनस ऑफ ए आई।
अब एम्पलीट्यूड माइनस आ रहा है इसका मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड माइनस आ रहा है इसका मतलब पहले पहले जो वेव, ऐसा दिख रहा था, जिसका एम्पलीट्यूड अगर प्लस था तो अब उसका एम्पलीट्यूड माइनस ऑफ ए आई हो गया, मतलब जब वो रिफ्लेक्ट होके जाएगा तो उसका एम्पलीट्यूड जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? और ऐसा मैंने आपको बोला भी था कि जब भी रिजिड सपोर्ट से रिफ्लेक्शन होता है तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होता है उसमें पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है। तो पाई का फेज डिफरेंस क्यों आ रहा है यहाँ पर? तो इसके कारण से आ रहा है। बात समझ में आया क्या? ये मैंने उस समय बोला था कि मैं इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी दूंगा, अभी मैंने आपको दे दिया। तुमको देखो प्रूफ प्रूफ किसी भी एग्जाम में नहीं आने वाला, तुमको सिर्फ एंड रिजल्ट याद रखना है। अच्छा भाई साहब, इसी का सेकेंड केस अगर मैं बात करूं, जो सेकेंड केस था रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री सपोर्ट, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री सपोर्ट, रिफ्लेक्शन जगह की कमी है इसलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, छोटा छोटा प्यारा प्यारा लिख रहा हूँ, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री सपोर्ट या फ्री एंड। अच्छा फ्री एंड से अगर मैं रिफ्लेक्शन के बारे में बात करूँ तो हमने ऐसा बोला था कि एक मासलेस रिंग ले लो। अब अगर ये मासलेस रिंग है तो मासलेस रिंग के लिए म्यू टू का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। अब जीरो, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा ना। इसका मतलब इस केस में क्या बोल सकते हैं कि जो वी टू है, वी टू का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा क्या वी वन के सामने? अगर ये रिंग फ्री फ्री एंड का मतलब हो गया मासलेस रिंग। अब अगर मासलेस रिंग का वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो म्यू टू का वैल्यू ऑलमोस्ट मेरे पास इंफिनिटी है, सॉरी म्यू टू का वैल्यू मेरे पास ऑलमोस्ट क्या है? जीरो है। अब अगर म्यू टू का वैल्यू जीरो है तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा। मतलब एक चीज की तो गारंटी है कि जो V2 है इस बार, जो V2 होगा उसका वैल्यू बहुत ज्यादा होगा V1 के कंपैरिजन में फ्री एंड के केस में। ठीक है भाई साहब, अब अगर यहाँ पर मैं A ट्रांसमिटेड का वैल्यू फाइंड आउट करूं तो A ट्रांसमिटेड में क्या हो जाएगा? टू टाइम्स ऑफ V2 AI, टू टाइम्स ऑफ V2 AI डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। अब V2 के सामने ये जो V1 है बहुत छोटा है, तो अगर V1 बहुत छोटा है इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको नेगलेक्ट कर लेंगे तो इक्वेशन जो होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, A ट्रांसमिटेड का जो इक्वेशन है वो हो जाएगा 2V2 AI डिवाइडेड बाय V2। V2 से V2 गायब कर दिया जाए अगर, तो A ट्रांसमिटेड का वैल्यू कितना आ रहा है? A ट्रांसमिटेड का वैल्यू आ रहा है AI। अब बोलोगे सर ट्रांसमिटेड वेव कहाँ दिखता है? तो ट्रांसमिटेड वेव इसमें दिखता है, ये जो रिंग है ना उसमें ट्रांसमिटेड वेव दिखता है। और क्या होता है, जो ट्रांसमिटेड वेव, अगर वेव ये जो चलता हुआ वेव था अगर इसका एम्पलीट्यूड 10 है, इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये जो रिंग है ना ये 20 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। देखो उसका जो एम्पलीट्यूड आ रहा है वो 2 टाइम्स आएगा, मेडिकल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। जो इंसिडेंट वेव था 10 सेंटीमीटर अगर उसका एम्पलीट्यूड है तो जो भी मेरे पास ट्रांसमिटेड वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है? 2 टाइम्स ऑफ AI आ रहा है। इसका मतलब अगर इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड 10 होगा ना तो जो ट्रांसमिटेड वेव होगा रिंग में उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ AI। बिल्कुल सही है सर जी। अच्छा फिर से जगह की कमी के कारण थोड़ा स्पेस बनाते हैं, फिर नया चीज लिखते हैं यहाँ पर। अब अगर मैं बात करूं ए रिफ्लेक्टेड के बारे में, अगर मैं ए रिफ्लेक्टेड के बारे में बात करूं तो फिर से V1 इधर का V1 और इधर का V1 दोनों को निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा V2 डिवाइडेड बाई V2 टाइम्स ऑफ AI। इसका मतलब V2 से V2 गायब कर दो, V2 से V2 जब आप गायब कर दोगे तो रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो AI के इक्वल आ जा रहा है। इसका मतलब क्या था, वेव जैसा आया था, इस वाले धागे में अगर डायग्राम बनाए फिर से, इसका मतलब ये है कि वेव जितने एम्पलीट्यूड से आया था, उतने ही एम्पलीट्यूड से वेव क्या हो जाएगा, वापस भी चला जाएगा रिफ्लेक्ट होने के बाद। बात समझ में आ रहा है? सिर्फ चेंज क्या हो गया इसमें, डायरेक्शन का चेंज हो गया। तो अगर मान लो कोई क्वेश्चन पूछे, कि जो मेरे पास शायद मैंने बता भी दिया ये कि अगर आपको इंसिडेंट वेव का इक्वेशन पता है, मान लीजिए इंसिडेंट वेव का इक्वेशन है 10 sin ωt − kx, और आपसे फ्री एंड के केस में रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन अगर पूछा जाए तो रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो इंसिडेंट वेव के एम्पलीट्यूड के बराबर आ रहा है फ्री एंड के केस में, तो ये हो जाएगा 10 sin यहाँ पे ωt + kx। देखो ये सब बातें ऐसी है ना जो तुम्हें लग रहा होगा सर ये तो बहुत ही आसान है, एग्जाम में यही क्वेश्चन भी आता है, यही इसी को जब क्वेश्चन बना के वो आपको दे देंगे ना तो आपको बोलेंगे सर ऐसे क्वेश्चन तो आपने कराया नहीं। ये ए ट्रांसमिटेड और ए रिफ्लेक्टेड का वैल्यूज अगर आपको याद रहेगा तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा ये हो गया रिफ्लेक्टेड वेव की कहानी, रिफ्लेक्टेड वेव का कहानी इस तरह से मैंने आपको बता दिया। अब एग्जाम में ना क्वेश्चन ये जो स्ट्रिंग टाइप का अरेंजमेंट है इसमें भी आता है, ये जो स्ट्रिंग टाइप का अरेंजमेंट है ना
ऐसा देख लेते हैं, ये जो स्ट्रिंग टाइप का अरेंजमेंट है इसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ऐसा बोल दिया जाए अगर कि इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है उसका वैल्यू है 4 टाइम्स ऑफ म्यू, और इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है म्यू टू, इसका वैल्यू है म्यू। ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया है कि अगर इसमें जो वेव चल रहा है, इंसिडेंट वेव जो है, उसका इक्वेशन अगर 10 sin ωt - kx का है, जो इंसिडेंट वेव चल रहा है उसका इक्वेशन अगर 10 sin ωt - kx का है, तो व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर रिफ्लेक्टेड वेव, व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर रिफ्लेक्टेड वेव एंड व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर ट्रांसमिटेड वेव, ये पूछ सकते हैं। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो देखो ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है, ये रिफ्लेक्टेड वेव ऐसा है। अब ये जो है ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर वायर की थिकनेस कम हो गई या रोप की थिकनेस कम हो गई तो ये ऑलमोस्ट फ्री एंड के जैसा बिहेव कर रहा है क्या? अगर इस वायर की थिकनेस कम हो गई तो ये फ्री एंड के जैसा बिहेव कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये फ्री एंड हो गया, अगर ये फ्री एंड हो गया तो फ्री एंड से जब रिफ्लेक्शन होता था तो जैसा इंसिडेंट वेव आता था टकराने के बाद वैसा ही चला जाएगा ना, बस क्या चेंज हो जाएगा, फेज का डिफरेंस हो जाएगा। अब इसका म्यू का वैल्यू पूरा पूरा जीरो नहीं है, इस बार जो फ्री एंड है उसका म्यू का वैल्यू पूरा पूरा जीरो नहीं है, इस बार म्यू टू का वैल्यू कुछ ना कुछ गिवन है। तो इस इक्वेशन में वी वन वी टू का वैल्यू जैसे हमने पहले नेगलेक्ट किया था वैसे नेगलेक्ट नहीं कर सकेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो मेरे को कैलकुलेट करना है वी वन, तो वी वन का वैल्यू क्या लिखेंगे, टी डिवाइडेड बाई 4 √ में, ये वी वन का वैल्यू लिख देंगे। उसी तरह अगर मेरे को v2 लिखना है तो v2 का वैल्यू t डिवाइडेड बाय म्यू हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है ना कि अगर ये v2 का वैल्यू v है, अगर ये v2 का वैल्यू v है तो ये v डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा क्या? अगर v2 का वैल्यू v होता है, इस पूरे को v मान लिया जाए तो ये v डिवाइडेड बाय 2 है। अच्छा भाई साहब, अब अगर मेरे से कोई a ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड पूछेगा तो a ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ v2 के प्लेस में v रख दो डिवाइडेड बाय v1 plus v2 करोगे तो v divided by, क्या बोल रहे हैं, v2 का वैल्यू v है, v2 का वैल्यू v है डिवाइडेड बाय v/2 और n टाइम टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड 10 का गिवन है, तो जो a ट्रांसमिटेड यहां पर बन रहा है वो हो जाएगा ये 3v2, ये ऐसा हो जाएगा ना 2v/3v इंटू 2 × 10। वी से वी कैंसिल कर देते हैं, वी से वी कैंसिल कर देंगे अगर, तो ए ट्रांसमिटेड हो जाएगा 40/3 का। अब अगर ए ट्रांसमिटेड का वैल्यू मिल गया तो ट्रांसमिटेड वेव, देखो वेव ऐसा आया था ट्रांसमिट होकर ऐसा चला गया, कोई फेज वेज का चेंज हुआ नहीं, कोई डायरेक्शन का चेंज हुआ नहीं, तो अगर मेरे को ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन लिखना है तो 40/3 और sin ωt - kx, ये इक्वेशन हो जाएगा। बात समझ में आया है क्या? हाँ या ना? ये ट्रांसमिटेड वेव हो गया। मान लो रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन पूछा जाता तो रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन लिखने के लिए रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड जानना है। अब अगर मैं रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड लिखूं ए रिफ्लेक्टेड, अगर मैं ए रिफ्लेक्टेड का वैल्यू फाइंड आउट करूं तो v2 - v1, v2 का वैल्यू है v - v/2 / v2 + v1, तो v2 + v1 में यहाँ पे हो जाएगा v/v2 और यहाँ पर ai। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया v/2, ये हो गया 3v/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो देखो v/2 इधर भी है, v/2 इधर भी है, तो a रिफ्लेक्टेड का वैल्यू आ गया, a रिफ्लेक्टेड का वैल्यू आ जाएगा ai/3। इसका मतलब y रिफ्लेक्टेड का इक्वेशन हो जाएगा ai/3 साइन। अच्छा, इस बार डायरेक्शन चेंज हो गया, फेज में चेंज हुआ नहीं, क्या चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, तो ωt + kx। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब मैंने बहुत जल्दी जल्दी में शायद बता दिया है, लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो ये सारी बातें जो मैंने अभी बताई है ना, कुछ नया नहीं है, सब कुछ पहले से कैलकुलेट करना सिखा दिया, सब कुछ अभी से बता दिया, और जो मैंने यहाँ पे कराया है वही एग्जाम का भी क्वेश्चन है। क्या चेंज हो सकता है, तो डेटा चेंज हो सकता है, डेटा चेंज हो सकता है, और ये याद रखना है कि रिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है। जैसे अगर मैं, मेरा केस अगर ऐसा होता ना, मान लो यहां पर ऐसा बोलते कि यहां पर जो वेव है, वेव को यहां से यहां भेज रहे हैं, ये इंसिडेंट वेव है और यहां पर इंसिडेंट वेव है,
अगर इंसिडेंट वेव पतले वाले स्ट्रिंग पर होता ना, तो जब वो रिफ्लेक्ट करके आता वापस, तो ऐसे वापस नीचे आ जाता। तो यहाँ पे आपको प्लस पाई भी लिखना पड़ता है जब आप इक्वेशन लिखते हैं रिफ्लेक्टेड वेव का। ट्रांसमिटेड वेव में जैसा आया है वैसे ही ट्रांसमिट हो जाएगा, तो उसके बारे में नहीं सोचना है। तो इस तरह के क्वेश्चन रिफ्लेक्शन ऑफ वेव या रिफ्रैक्शन ऑफ वेव में बन सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो अब तुम सोचोगे तो सर ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किल है समझने में। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो मुश्किल हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही आसान होंगे। क्वेश्चन का जो लेवल होगा, जो आप देखोगे जो आपके नोट्स में पढ़ाया जा रहा है, वही आपको एग्जाम में क्वेश्चन में भी मिलेगा, अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो। वैसे क्वेश्चन किसी और टॉपिक से आता है, इन सब टॉपिक से बहुत कम आता है। अब जो टॉपिक से आएगा क्वेश्चन वो भी बता दूंगा। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडिंग वेव। अब स्टैंडिंग वेव समझने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस और बहुत ज्यादा तसल्ली की जरूरत है, टाइम लगेगा, मैथमेटिक्स से अच्छा खासा। तो अगर तुमको मैथमेटिकल पार्ट नहीं समझ में आएगा तो 10 बार लेक्चर देखना इसका मैथमेटिकल पार्ट। तुम एक तो मैं डायग्राम वाइज समझाने की कोशिश करूंगा जैसे बुक्स में होते हैं, और एक मैं मैथमेटिक्स यूज करके भी समझाने की कोशिश करूंगा। दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पे डिपेंड होता हुआ हम ऑर्गन पाइप या स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग ये सब पढ़ेंगे, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है ना, उसमें स्टार्टिंग वाला जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वहां से क्वेश्चन आता है, वेव ऑन स्ट्रिंग पे क्वेश्चन आता है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से वो पैटर्न ड्रॉ करने का भी पूछ लेते हैं कि धागा कैसा दिखेगा एंड सो ऑन। अभी आज जो स्टार्ट किया है उसमें से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते हैं। मतलब इस बार जब मैं मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था तो मैंने देखा था एनटीए ने ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, अब एनटीए नए नए तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टार्ट क्या करना है अपने को, अब स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडिंग वेव। मैं अभी इसका कोई नाम वाम कुछ नहीं समझाने की कोशिश करूंगा, पहले मैं आपको डायग्राम से ग्राफ से बताऊंगा, फिर मैं आपको क्या करूंगा स्टैंडिंग वेव होता क्या है, क्यों ऐसा नाम है, वो आपको बताऊंगा। ठीक है चलिए, तो मैं थोड़ा पहले पॉज करता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं अपन स्टैंडिंग वेव। स्टार्ट करते हैं, एक डायग्राम तुमको दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये डायग्राम एक्चुअल में क्या है तो वो बताने से पहले क्या करते हैं, ऐसा मान लो कि एक स्ट्रिंग है, ऐसा मान लो ये एक स्ट्रिंग है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस वाले एंड पे भी एक सोर्स अटैच कर देते हैं। अब इस वाले एंड पे जो सोर्स अटैच किया उसके कारण वेव ऐसा जाएगा, और इस वाले एंड पर भी एक सोर्स अटैच कर देते हैं जिसके कारण वेव ऐसा जाएगा। मतलब एक धागे पर हम क्या कर रहे हैं, दोनों एंड्स पर हमने सोर्सेस अटैच कर दिया है, तो वेव इधर से भी मूव करेगा, वेव इधर से भी मूव करेगा। इसका मतलब किसी भी एक पार्टिकल को दो डिस्टर्बेंसेस मिल रहे हैं, किसी भी एक पार्टिकल को दो डिस्टर्बेंसेस मिल रहे हैं, तो जो भी नेट डिस्टरबेंस होगा वो दोनों डिस्टरबेंस का वेक्टर सम होगा। क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में यही बोलते थे। अब यहां पर हमने क्या किया है, वापस अब मैं स्क्रीन पर आऊंगा, मेरा काम इतना ही था। यहां पर देखो पहला वेव, जो पहला वेव है जिसको मैंने क्या किया है, येलो से बनाया है, ये पहला वेव का सोर्स अगर यहां कहीं पर था तो वेव ऐसा चलता हुआ आ रहा था, इस वाले एंड से ऐसा चलता हुआ आ रहा था। और जो दूसरा वाला वेव है वो सोर्स इसका यहां कहीं पर है तो वेव इस तरह पे चल रहा है, सेम। अब सेम मीडियम है, सेम तरह का वेव है, वेव और मतलब सब ये कुछ सब कुछ स्ट्रिंग पे चल रहा है तो दोनों पे वेव वेलोसिटी क्या है, सेम। अभी ऐसा समझ लो ना कि दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम रखा गया, दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम रखा गया। मतलब इस वाले वेव का एम्पलीट्यूड भी मान लिया जाए अगर ए है, और इस वाले वेव का एम्पलीट्यूड भी अगर मान लिया जाए ए है, तो अब इस इंस्टेंट पे ये जो डायग्राम था, मतलब टी इक्वल्स टू जीरो पर फर्स्ट वाले सोर्स के कारण येलो वेव चल रहा है, और t equals to zero पर फर्स्ट वाले वेव पर ही v वेलोसिटी रेड वाला वेव चल रहा है। अब जब दोनों सुपर इम्पोज करेंगे, पहला वेव और दूसरा वेव जब दोनों सुपर इम्पोज करेंगे, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, देखो मैंने जो थर्ड डायग्राम, पहला डायग्राम फर्स्ट वाले वेव को बता रहा है, सेकेंड डायग्राम सेकेंड वाले वेव को बता रहा है, जो थर्ड डायग्राम होगा, जो थर्ड डायग्राम है वो दोनों को रिजल्टेंट को बताने वाला है। ठीक है, अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो जो यहां पर पार्टिकल है, जो बीच में पार्टिकल था, पहले वाले वेव के कारण उसका एम्पलीट्यूड मिलता है ए, दूसरे वाले वेव के कारण भी उसका एम्पलीट्यूड मिलता है ए। अब ए प्लस ए जब आप ऐड करोगे तो जो नेट इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2a का हो जाएगा क्या? अच्छा, इस वाले पार्टिकल को अगर देखोगे तो पहले वाले के कारण जीरो मिल रहा है, दूसरे वाले के कारण भी जीरो मिल रहा है, तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेव है टी इक्वल्स टू जीरो, at t equals to zero पर जो resultant wave है जिसको मैंने blue color से दिखाया है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा क्या? जो resultant wave है वो कुछ इस तरह का होने वाला है। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? तो t equals to zero पर अगर तुमने यहां पर भी source चला दिया और यहां से भी एक wave चला दिया,
तो टी इक्वल्स टू जीरो पर, अब धागे पे जो तुमको दिखता है, धागे पे तुमको इंडिविजुअल वेव्स नहीं दिखेंगे, तुमको क्या दिखेगा, इस तरह का ब्लू वेव दिखेगा। ये जो ब्लू से मैंने बनाया आज, ब्लू है वेव 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 वेव, तो ये ब्लू वेव आपको इस तरह का दिखेगा। ये बात समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट वाले वेव के कारण येलो, सॉरी फर्स्ट वाले सोर्स के कारण येलो वेव बना, सेकंड वाले सोर्स के कारण रेड वेव बना, और दोनों का जब सुपर इम्पोजिशन हुआ तो ब्लू वेव इस तरह से बना है जो हमें दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल। अच्छा, अब ये हो गया टी इक्वल्स टू जीरो कहानी। टी इक्वल्स टू जीरो मतलब जब समय शून्य है तब। अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा वेव्स भी आगे बढ़ेंगे। ये जो वेव है, फर्स्ट वाला वेव है, वो इधर बढ़ना स्टार्ट होगा, सेकंड वाला जो वेव है वो इधर बढ़ना स्टार्ट होगा, फिर क्या रिजल्ट होगा, क्या बनेगा वो देख रहे हैं। तो अभी मैंने टी इक्वल्स टू जीरो के लिए बात कर लिया। आप क्या करना, ये जो डायग्राम बनाओगे एकदम फ्रेश से पेज में, बड़े से पेज में डायग्राम बनाना जिसमें सारे के सारे डायग्राम्स आ जाए, ठीक है? नहीं तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होगा समझने में। ये टी इक्वल्स टू जीरो का है। अब मैं टी इक्वल्स टू टी बाई फोर टाइम पीरियड का आधा, ये सॉरी टाइम पीरियड का क्वार्टर में मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ। तो मैं फिर से स्क्रीन पॉज करूंगा, इसको इरेज करूंगा, तब जाके वापस से अपन देखते हैं, ठीक है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिर से सेब बेचने वाला आ गया मेरे घर के पास में, सेब। और कुछ दिनों में क्लास नहीं खुला तो मेरे को, मेरी लगती है भी हालत मेरी भी हो जाएगी। सेब, आई विल ऑल्सो स्टार्ट सेलिंग सेब। तो अपने कॉलोनी, कॉलोनी का एड्रेस बता देना, मैं तुम्हारे कॉलोनी में आ जाया करूंगा, तुम लोग तो खरीद लोगे मेरे से। बोले अरे सर आप, अरे लाओ सर लाओ। और आप लोग मेरे से फिर वो भी नहीं करोगे, क्या नहीं करोगे, मोल भाव भी नहीं करोगे। बोलोगे अरे सर 100 रुपीज बस, सर आप तो 1,000 रुपये रखो। अच्छा देखो, अभी क्या करते हैं, समय को बढ़ने दिया हमने, समय को बढ़ने दिया, तो मैंने बोला जो टाइम है टी इक्वल्स टू टी बाई फोर, ठीक है? टाइम जो है वो टी इक्वल्स टू टी बाई फोर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो टी बाई फोर के बाद ये जो वेव का पोर्शन है येलो वाले वेव में, अब येलो वाला वेव अगर ऐसे बढ़ रहा है तो ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर आगे आ जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर ये वाला जो पोर्शन है वो आगे मूव कर जाएगा, तो वेव ऐसा बनना स्टार्ट हो जाएगा क्या? तो t इक्वल्स टू फोर के बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पर देखो वेव का डायग्राम इस तरह से बना दिया है। t इक्वल्स टू फोर पर पहले वाला जो वेव था वो v स्पीड से आगे चल रहा था, तो कुछ इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है सर? बिल्कुल समझ में आ रहा है। अच्छा, अब अगर मैं रेड वाले वेव के बारे में बात करूं, तो जो रेड वाला वेव है, देखो ये जो रेड वाला वेव है, इसका ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो है वो आगे चला जाएगा ऐसा। तो जहां से मैं देख रहा हूँ, ये वाले एंड से अगर देखना स्टार्ट करेंगे तो वेव कुछ ऐसा दिखना स्टार्ट होगा। तो ये वाले एंड से मैंने वेव को यहाँ पर ऐसे बना दिया, तो मेरे पास रेड वाला जो वेव है वो कुछ इस तरह का बनता हुआ जा रहा है। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो टी इक्वल्स टू कैपिटल टी बाई फोर का जो टाइम है उसमें क्या हो रहा है, जो व्हाइट वाला वेव है, व्हाइट वाला वेव है वो ये चाहता है, व्हाइट वाला वेव ये चाहता है कि डिस्प्लेसमेंट इतना हो, और रेड वाला वेव जो है वो ये चाहता है कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर के साइड हो। अब अगर एक दोनों, ये जो दोनों वेव है वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, इसका मतलब जो धागा है, ये जो धागा है इस धागे में, ये जो धागा है इस धागे का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना डिस्प्लेसमेंट ऊपर है उतना ही डिस्प्लेसमेंट नीचे है। तो दोनों मिलके जब आप सम करोगे, दोनों मिलके अगर आप सम करते हो तो आपको जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा, जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा क्या? तो जो धागा है वो आपको एकदम सीधा होता हुआ दिख जाएगा, धागा आपको एकदम सीधा सीधा दिखेगा। पहले धागा कैसे दिखा था, पहले धागा ऐसे 2a एम्पलीट्यूड के साथ दिख रहा था अपने को, इससे जस्ट पहले वाला जो डायग्राम था, इससे जस्ट पहले वाले डायग्राम में अपने को धागा ऐसा दिख रहा था। मैं फिर वापस अगर बना दूं तो ये वेव ऐसा था, फिर ये वेव नीचे था ऐसा, एंड सो ऑन, ऐसा कुछ डायग्राम अपने को दिख रहा था क्या? अभी सेम जो थ्रेड है वो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा सीधा दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो टी इक्वल्स टू हमने क्या कर दिया, टी इक्वल्स टू जीरो का डायग्राम बना लिया। अब जो भी मैं ब्लू से बना रहा हूं ना, जो भी ब्लू से बनाया जा रहा है वही रिजल्टेंट वेव है जो आपको दिखने वाला है। तो धागे में आपको क्या दिखेगा, तो जो रिजल्टेंट वेव है वो आपको दिखेगा हमेशा धागे में। तो टी इक्वल्स टू जीरो में इस तरह से दिख रहा था, ये जो मैंने ऊपर नीचे करके जो ब्लू वाला बनाया था, टी इक्वल्स टू टी बाई फोर में एकदम सीधा धागा दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये सब अपने को सब आगे एक्सप्लेन में लाना है, यूज में लाना है। अभी बस आपको मैं स्टैंडिंग वेव होता क्या है, बनता कैसे है, उसके बारे में डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एनसीईआरटी बुक में ऐसा ही गिवन है, थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि मेरे को बार बार स्क्रीन पॉज करके बनाना पड़ेगा। फिर से स्क्रीन पॉज होगा, फिर से मैं दोबारा से बनाऊंगा। देखो, अब जो टाइम है, टाइम हो गया कैपिटल टी बाई टू। अब कैपिटल टी बाई टू के टाइम में क्या होगा, ये जो वेव है,
ये पूरा का पूरा जो वेव है, ये जो येलो वाला पोर्शन है देखो, ये पूरा का पूरा वेव इधर आगे आ जाएगा, ये पूरा मूव करके इधर आ गया ऐसे, और ये वाला जो पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था, इसको अगर मैं बताऊं, ये वाला जो पार्ट था कहां चल गया, यही है ना, शिफ्ट लिफ्ट नहीं हो रहा यार, ये जो पार्ट है वो मूव करके यहां कहीं पर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो अब जो वेव है वो कुछ इस तरह का दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जो वेव है हमारे पास टी इक्वल्स टू कैपिटल टी बाई टू में वेव जो येलो वाला वेव कुछ इस तरह का दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, रेड वाले वेव के बारे में अगर सोचोगे तो ये जो रेड वाला वेव है, ये जो रेड वाला वेव है, ये पूरा पोर्शन मूव करके यहां पर आ गया ऐसे, ये पूरा पोर्शन मूव करके यहां पर आ गया, तो जो रिमेनिंग वेव है वो यहां से ऐसे कुछ दिख रहा होगा, ये पूरा गायब हो गया, ये यहां से ऐसा कुछ दिख रहा होगा, क्लियर है ना? अच्छा, अब अगर रेड वाला वेव मैं नीचे बनाऊं तो रेड वाला वेव वापस ऐसा हो जाएगा, इस तरह से हमारे पास रेड वाला वेव बन गया। अब जब आप सुपर पोजिशन वापस से सुपर पोजिशन करोगे तो एक वेव के कारण एम्पलीट्यूड ए मिल रहा था, दूसरे के कारण एक और ए आ गया, तो जब रिजल्टेंट बनाया जाएगा, जब रिजल्टेंट वेव बनाया जाएगा तो कुछ इस तरह का बनाया जाएगा। ये 2a एम्पलीट्यूड का इस तरह से हमने क्या कर दिया, रिजल्टेंट वेव बना दिया। तो ये कौन सा टाइम का डायग्राम था, t इक्वल्स टू कैपिटल t बाई टू, समय को और बढ़ाते हैं, समय को बढ़ाते हैं 3t बाई 4 पर ले जाते हैं। तो फिर से मैं इसको इरेज करूंगा, स्क्रीन पॉज इरेज, फिर मैं बताता हूँ अब कौन से टाइम पर बात कर रहे हैं, 3t बाई 4। अच्छा, जैसा डायग्राम मैंने बनाया है कम से कम वैसा तो आप भी बना सकते हो, इससे अच्छा बना सकते हो तो आई अप्रिशिएट, अगर इससे अच्छा नहीं बना सकते हो कम से कम ये तो बनाओ जो मैंने बनाया है। अच्छा, अब मैंने बोला कि समय क्या है, 3t बाई 4। अब 3t बाई 4 में अगर देखोगे तो देखो, ये वाला जो पार्ट था वेव का, ये वाला पार्ट तो मूव करके आ गया, अब ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट से वेव स्टार्ट करेगा क्या, तो यहाँ पर येलो वाला जो वेव है वो कुछ इस तरह का दिखना स्टार्ट हो गया ऐसे, जो येलो वाला वेव है वो कुछ इस तरह का दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और जो रेड वाला वेव है ये पूरा ट्रैवल करके चला गया रेड वाले में, और ये वाला जो पार्ट है ये भी ट्रैवल करके आगे हो गया होगा, तो यहां से अब वेव स्टार्ट करेगा क्या, तो यहां से वेव स्टार्ट करेगा, तो वेव को इस तरह से स्टार्ट करता हुआ हमने दिखा दिया। अब ये मैंने क्या किया है, t equals to 3 capital t upon 4 का डायग्राम बना दिया। अब फिर से अगर देखोगे तो येलो वाला वेव ऊपर ले जाना चाह रहा है, रेड वाला वेव नीचे ले जाना चाह रहा है, जितना ऊपर डिस्प्लेसमेंट उतना नीचे डिस्प्लेसमेंट, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगा, रिजल्टेंट वेव बनेगा वो वापस से क्या हो जाएगा, वापस से एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा क्या, तो जो रिजल्टेंट वेव आने वाला है वो वापस से इस तरह के आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये कौन से टाइम का था, ये टाइम था 3t अपॉन 4 का। एक और डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे t इक्वल्स टू कैपिटल t पर, मैं बोलूंगा स्क्रीन को पॉज करके आप भी खुद से ट्राई करें, वैसे मैं बताने ही वाला हूँ, स्क्रीन पॉज करते हैं, वापस से बनाते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो अब क्या कर रहे हैं, टी इक्वल्स टू कैपिटल टी के बारे में बात कर रहे हैं, स्मॉल टी का वैल्यू जब कैपिटल टी के बराबर हो जाएगा तब क्या होगा, तो देखो ये पूरा जो वेव था, ये पूरा जो येलो वाला वेव था, कहाँ चले गए, ये पूरा जो येलो वाला वेव है ये पूरा पूरा ट्रैवल करके इधर आ गया क्या, अगर ये पूरा पूरा वेव ट्रैवल करके इधर आ गया तो यहीं से तो वेव स्टार्ट करेगा ना, ऐसा ही स्टार्ट करेगा जैसा टी इक्वल्स टू जीरो में दिख रहा था, तो येलो वाला वेव टी इक्वल्स टू जीरो में जैसा दिख रहा था वैसा मैंने बना दिया। अच्छा, अब रेड वाले वेव के बारे में अगर आप बात करोगे तो ये पूरा का पूरा जो वेव है ये ट्रैवल करके आगे आ चुका है, तो यहां से वेव स्टार्ट करने वाला है, तो रेड वाला वेव भी वैसा ही दिखेगा क्या जैसा टी इक्वल्स टू जीरो पर दिख रहा था। अब अगर आप दोनों का सुपरपोजिशन करोगे तो दोनों का सुपरपोजिशन करने पर क्या हो जाएगा, जो नेट डायग्राम बनने वाला है वो कुछ तो इस तरह का बनने वाला है, जैसा t इक्वल्स टू जीरो में बना था बिल्कुल वैसा ही बन रहा है क्या, हाँ या ना, बिल्कुल सर जी, t इक्वल्स टू जीरो में जैसा डायग्राम बना था बिल्कुल वैसा ही बन रहा है। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा कि t इक्वल्स टू कैपिटल t के बाद से वो वापस से वही रिपीट करेगा जो जीरो से कैपिटल t तक है, जीरो से कैपिटल t तक जैसा बना रिजल्टेंट वेव वैसे ही t से 2t चलेगा, 2t से 3t चलेगा, 3t से 4t चलेगा एंड सो ऑन। अच्छा, अब ये बनाने का मतलब क्या है, अगर ये बनाने का मतलब है, अब मैं पूरे डायग्राम को ना, ये पूरा जो डायग्राम था 1 2 3 4 करके मैं सबको एक साथ बनाने वाला हूं कि 1 में क्या दिख रहा था, 2 में क्या दिख रहा था एंड सो ऑन। तो इस बार स्क्रीन पॉज नहीं करते, इस बार गायब करते हैं, यहीं पे बताते हैं।
सबसे पहले स्टार्ट करते हैं t इक्वल्स टू जीरो से। अब मैं अलग अलग कलर यूज करूंगा, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं t इक्वल्स टू जीरो से। t इक्वल्स टू जीरो पर अगर आपको याद हो तो t इक्वल्स टू जीरो का जो रिजल्टेंट डायग्राम बना था वो ऐसा बना था। t इक्वल्स टू जीरो का रिजल्टेंट डायग्राम था इस तरह का। जो धागे में एक्चुअली हमें दिख रहा है, हम वो ये यहाँ पे जो थर्ड डायग्राम है ना, वो हमेशा धागे में एक्चुअल में जो हमें दिखने वाला है वो प्लॉट कर रहे थे। t इक्वल्स टू जीरो में कुछ तो ऐसा डायग्राम अपने को दिखा था। बिल्कुल सही सर। अच्छा, फिर t इक्वल्स टू t बाई फोर। t इक्वल्स टू t बाई फोर के बारे में अगर बात किया जाए तो रेड नहीं ले रहे हैं, ब्लू लेते हैं। t इक्वल्स टू t बाई फोर के बारे में अगर बात किया जाए तो t बाई फोर के केस में जो डायग्राम दिखा था वो ऐसा सीधा सीधा वायर दिख रहा था अपने को। जो धागा था, धागा पूरा पूरा ऐसे सीधा हो गया था। t इक्वल्स टू t बाई फोर का डायग्राम ये है। ये जो व्हाइट से बनाया है, व्हाइट से जो बनाया है वो कब का है? ये व्हाइट से जो बनाया था वो, अरे t इक्वल्स टू जीरो पर ये देखा। अच्छा, ब्लू वाला जो बनाया है, ब्लू वाला किस में दिख रहा था? t इक्वल्स टू t बाई फोर पर। t इक्वल्स टू t बाई फोर पर दिख रहा था। अच्छा, अब ये लाइट ग्रीन जो है उससे क्या करते हैं? t इक्वल्स टू t बाई टू का बनाते हैं। तो t इक्वल्स टू t बाई टू पर अगर आपको याद हो तो t इक्वल्स टू t बाई टू पर जो डायग्राम बना था ना वो कुछ ऐसा बना था। मेरी डायग्राम थोड़ी खराब है आई नो, लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ शायद वो आप समझ जाएंगे। इतना भी खराब नहीं है कि सर आप पहले तो डायग्राम बनाना सीख के आओ तब पढ़ाना स्टार्ट करो। डायग्राम बनाना आता नहीं है, चले पढ़ाने। ऐसा वैसा कुछ तुम कमेंट नहीं कर सकते मेरे को, या कर भी सकते हो, एवरीवन हैज अ फ्रीडम, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो एक तो पता नहीं मेरे YouTube चैनल में कोई पीछे पड़ा है डैश 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 डॉट समथिंग, अजीब अजीब लिंक भेजते भाई मेरे को, कुछ भी भेजते हैं, पागल हो गए लोग। तो t इक्वल्स टू कैपिटल t बाई टू का डायग्राम अगर देखोगे ना तो ये जो ग्रीन से मैंने बनाया ना लाइट ग्रीन से वो डायग्राम दिखेगा, ठीक है भाई साहब। फिर से t इक्वल्स टू कैपिटल सॉरी कैपिटल t का जो टाइम है, t इक्वल्स टू कैपिटल t का टाइम, वापस से ये स्ट्रेट लाइन दिखाता गया। तो इस तरह का पैटर्न आपको जो धागा है उसमें दिख रहा है। अब यहां पर अगर आप देखोगे ना तो आपके पास कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, आपके पास कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो है। देखो तो धागे में कैसा भी वेव बने, धागे में कैसा भी वेव बने, स्ट्रेट लाइन बने या वेव के जैसा दिखे, हमारे पास धागे में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो है। या आप ऐसा समझ सकते हो, किसी एक सेक्शन को देखोगे, जैसे मान लो ये ए है और ये बी है। अगर आप ए बी सेक्शन को देखोगे ना तो ए बी सेक्शन, मैं थोड़ा गायब होता हूं यहां पर, अगर आप ए बी सेक्शन को देखोगे तो t इक्वल्स टू जीरो पर आपको ऐसा दिखा, फिर t इक्वल्स टू t बाई फोर पर ये पूरा फ्लैट हो गया, फिर t इक्वल्स टू t बाई टू पर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसा आ गया, ऐसा ऐसा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया, उल्टा हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर t इक्वल्स टू 3t बाई फोर पर पूरा पूरा ऐसा सीधा हो गया, फिर वापस से वो रिपीट हो गया क्या, एंड सो ऑन, इस तरह का पैटर्न बन रहा है। तो अगर आप ए और बी पॉइंट को नोटिस करोगे तो ए और बी पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो हमेशा से क्या है, फिक्स है। ए और बी पॉइंट को अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो ए और बी ऐसे पॉइंट है जो फिक्स है। इसके बगल वाले पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं लेकिन ए और बी का कोई ऑसिलेशन नहीं हो रहा, ए और बी ऐसे स्टेशनरी बैठे हुए। उसी तरह बी और सी को देखोगे तो बी और सी स्टेशनरी है। सी डी ई एफ ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर है जो हमेशा स्टेशनरी है। अच्छा भाई साहब, अब ए और बी के ये जो ए बी सी डी जो पॉइंट्स हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होता है उनको कहते हैं नोड्स। ए बी सी डी जिनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होता है, सुपरपोजिशन वेव्स कराया, वेव्स का सुपरपोजिशन कराया है स्ट्रिंग में, तो मैंने कुछ पॉइंट्स देखा ए बी सी डी ई एफ, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो हो रहा है। अब ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट जीरो वाले पॉइंट्स जो हैं, हमेशा जीरो डिस्प्लेसमेंट वाले जो पॉइंट्स हैं उनको क्या कहते हैं, नोड्स। ये ई और एफ जो हमारे पास पॉइंट्स है ना इनको हम बोल रहे हैं नोड्स। नोड्स का मतलब ऐसे पॉइंट्स जिनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो है। अच्छा भाई साहब, अच्छा ए और बी के बीच में अगर देखोगे तो मेरे पास एग्जैक्टली बीच में, एग्जैक्टली बीच में ऐसे पॉइंट्स है जिनका एम्पलीट्यूड टू ए है, जिनका एम्पलीट्यूड टू ए है। बाकी किसी भी पार्टिकल का, जैसे यहाँ वाले पार्टिकल का देखोगे तो ये जो पार्टिकल है, मान लो ये जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, यहां से ऐसे ऊपर आया, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। तो ये जो पार्टिकल है, मान लो पार्टिकल वन, पार्टिकल वन का एम्पलीट्यूड ए ट्वाइस ऑफ ए नहीं है,
भाई साहब ए का सिर्फ एक पार्टी को लेके, किसी भी ए और बी मतलब किसी भी एक सेक्शन के बीच में देखो, अगर ए बी और बी के बीच में देखोगे तो सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा है जिसका एम्पलीट्यूड 2a का है, बाकी सारे के सारे पार्टिकल्स का क्या है, 2a से कम एम्पलीट्यूड है। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो पॉइंट्स है जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है या 2a होता है, ठीक है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले जो पॉइंट्स है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले जो पॉइंट्स है उनको हम क्या बोलते हैं, एंटी नोड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट्स जो है उनको क्या बोल रहे हैं, एंटी नोड्स। मिनिमम एम्पलीट्यूड वाले जो पॉइंट्स हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, नोड्स। क्लियर है क्या? अच्छा, अब और कुछ कुछ बातें जो यहाँ पर नोटिस करने वाली है, अगर आप देखोगे तो ए और बी के बीच में जितने भी पार्टिकल्स हैं, ए और बी के बीच में जितने भी पार्टिकल्स हैं, जैसे अगर मैं कुछ पार्टिकल्स बना दूं, जैसे ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, पार्टिकल 3 है, पार्टिकल 4 है, एंड सो ऑन। तो जब 1 2 3 4 किसी भी पार्टिकल को अगर तुम देखोगे तो जिस इंस्टेंट पर 1 अपने मैक्सिमम, 1 तो कहीं मूव नहीं कर रहा, जिस इंस्टेंट पर 2 अपने मैक्सिमम पर है उस इंस्टेंट पर 3 भी मैक्सिमम पर है, उस इंस्टेंट पर 4 भी मैक्सिमम पर है क्या? हाँ सर, दिख रहा है। जिस इंस्टेंट पर 2 नेगेटिव साइड के मैक्सिमम पर है उस इंस्टेंट पर 3 भी नेगेटिव के मैक्सिमम पर है और 4 भी नेगेटिव के मैक्सिमम पर है। जिस इंस्टेंट पर 2 रेस्ट पर है उसी सॉरी जिस इंस्टेंट पर 2 अपने मीन पोजीशन पर है उसी इंस्टेंट पर 3 भी मीन पोजीशन पर है, उसी इंस्टेंट पर 4 भी मीन पोजीशन पर है। तो जैसा नॉर्मल वेज में होता था, हर एक पार्टिकल SHM परफॉर्म करते थे, यहां पर भी हर एक पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहे हैं क्या? बिल्कुल सर जी। अच्छा, फिर हमने जो नॉर्मल वेव था, जैसे ये जो हमारे पास नॉर्मल वेव है, इस नॉर्मल वेव में क्या होता है, हर एक पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है, हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ए होता था क्या? जैसे अभी वेव फॉर्म ऐसा है, कुछ इंस्टेंट के बाद जो वेव फॉर्म है, वो क्या दिखेगा, कुछ वेव फॉर्म ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा कुछ। तो अभी इस वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ये था, कुछ टाइम के बाद इसका हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद इसका हो जाएगा, तो हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ए होता था। जो नॉर्मल वेव्स होते थे, जो नॉर्मल वेव्स हम आज से पहले तक पढ़ रहे थे, उस वेव में क्या होता था, हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होता था, कैपिटल है। अच्छा, डिफरेंस क्या होता था कि पहला मान लो ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये अगर अभी ए पर आया है तो कुछ समय के बाद दूसरा वाला पार्टिकल आएगा, कुछ समय के बाद तीसरा वाला पार्टिकल आएगा, एंड सो ऑन। मतलब हर एक पार्टिकल्स के बीच में फेज का डिफरेंस होता था। जो नॉर्मल वेव्स था, जो आज तक पढ़ रहे थे, आज तक जो वेव्स पढ़ते थे, ये सब बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से सुनना। जो पार्टिकल 1 का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वही पार्टिकल 2 का है, वही पार्टिकल 3 का, या किसी भी रैंडम पार्टिकल का अगर आप बोलोगे तो वही उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ए। क्या दिक्कत होता था, फर्स्ट वाला पार्टिकल अभी अगर मैक्सिमम पर है तो सेकंड वाला कुछ टाइम बाद होगा, थर्ड वाला कुछ और टाइम बाद होगा। इसका मतलब जितने भी पार्टिकल्स है 1 2 3, जितने भी पार्टिकल्स है 1 2 3, सबका फेस अलग अलग होता था क्या? ये पहले वाइब्रेट कर रहा है, फिर ये बाद में वाइब्रेट कर रहा है, फिर ये बाद में वाइब्रेट कर रहा है, फिर ये वाइब्रेट बाद में वाइब्रेट कर रहा है। तो सारे पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के बीच में फेज का डिफरेंस होता था। स्टैंडिंग वेव में अगर देखोगे तो यहाँ पर कुछ तो सिमिलैरिटी मेरे को मिली। क्या मिली सिमिलैरिटी? ये मिला कि यहाँ पर भी जितने पार्टिकल्स है सब ऑसिलेट कर रहे हैं। जैसे अगर आप पार्टिकल 2 को देखोगे, पार्टिकल 2 ऊपर गया नीचे आया फिर आया इधर, जितने ही पार्टिकल, पार्टिकल 3 ऊपर गया नीचे आया फिर आ गया इधर, पार्टिकल 3, हर एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। बिल्कुल बात सही है। अब जिस इंस्टेंट पर 2 मैक्सिमम पर है उसी इंस्टेंट पर 3 भी मैक्सिमम पर है, उसी इंस्टेंट पर 4 भी मैक्सिमम। इसका मतलब ए और बी के बीच में जितने भी पार्टिकल्स हैं, सारे के सारे पार्टिकल्स फेज में है क्या? फेज में। सर कैसे पता चला? क्योंकि जब पार्टिकल 2 मैक्सिमम पर है तब पार्टिकल 3 भी मैक्सिमम पर है, जब पार्टिकल 4 भी मैक्सिमम पर है, फिर जब पार्टिकल 2 अपने मीन पर है तब पार्टिकल 3 भी अपने मीन पर है, जब पार्टिकल 4 भी अपने मीन पर है। इसका मतलब ये होगा कि इस तरह का जो वेव है, इस तरह का वेव जो ऐसा सीधा फिर उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा ये जो बना था, इस तरह का जो वेव है उसमें सारे के सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो फेज में होते हैं। जैसे नॉर्मल वेव में ये नहीं था, नॉर्मल वेव में सारे पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस था। ये इसको मैं स्टैंडिंग वेव अभी नाम दे दे रहा हूँ, क्यों नाम दे रहे हैं ये भी बाद में आपको समझ में आएगा। अभी समझ लो कि ये जो स्टैंडिंग वेव बन रहा है, अब किसी भी दो सेक्शन के बीच के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ए बी के बीच में जैसा है, बी सी के बीच में वैसा है, सी डी के बीच में वैसा है, सबके बीच में वैसा ही चल रहा है। ए और बी के बीच का अगर आप स्टैंडिंग वेव देखोगे तो ए और बी के बीच का स्टैंडिंग वेव अपन ने क्या देखा कि सारे के सारे पार्टिकल स्पेस में। अच्छा भाई साहब, पहले वाले वेव से कैसे अंतर है? सारे के सारे पार्टिकल्स का जो एम्पलीट्यूड है वो अलग अलग है। जैसे पार्टिकल 1 का एम्पलीट्यूड 0 है, पार्टिकल 2 का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a से कम है, पार्टिकल 3 का एम्पलीट्यूड 2a है, पार्टिकल 4 का एम्पलीट्यूड फिर से कुछ अलग है। तो
नॉर्मल वेव में हर एक पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड सेम होता था, क्या डिफरेंट होता था? फेज अलग अलग होते थे। स्टार्टिंग वेव जो बन रहा है उसमें हर एक पार्टिकल का फेज तो एक जैसा है, लेकिन हर एक पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो अलग अलग है क्या? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। अच्छा भाई साहब, अब इसको स्टैंडिंग वेव क्यों बोल रहे हैं? इसको स्टैंडिंग वेव क्यों बोलते हैं? स्टैंडिंग वेव इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो जो नॉर्मल वेव होता था उसमें एनर्जी ट्रैवल कर रहा है, यहां से यहां तक एनर्जी ट्रैवल करता था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एनर्जी जो है वो ट्रैवल कर रहा था। अब इसको स्टैंडिंग वेव क्यों बोलेंगे वो समझो। मैंने बोला कि मेरे पास ये एक इस तरह का वेव है, अभी ये वायर देखना, मान लो इस तरह का एक वेव है, ठीक है, फिर ये कुछ टाइम बाद ऐसे फ्लैट हो गया, फिर ये कुछ टाइम के बाद वापस से ऐसा हुआ, फिर फ्लैट हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। अब ये जो मेरे दो पॉइंट्स हैं, ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके बीच में एनर्जी कन्फाइंड होकर रह गया क्या? ऐसा हुआ, सीधा हुआ, फिर उल्टा हुआ, फिर सीधा हुआ, फिर उल्टा हुआ, सीधा हुआ, एंड सो ऑन। ए और बी का जो एनर्जी वो कहीं मूव करके जा रहा है क्या? नहीं। ए और बी का जो एनर्जी वो कहीं मूव करके नहीं जा रहा है, इसलिए इनका नाम क्या है? स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव भी कभी कभी बोलते हैं, पता नहीं इसी को बोलते हैं, यानी स्टेशनरी वेव भी मैंने कभी कभी देखा है बुक्स में लिखा हुआ। अब ए और बी के बीच का जो एनर्जी है वो ए और बी के बीच में ही रह गया। ए और बी के बीच में कभी मेरे को धागा ऐसा दिखा? ए और बी के बीच में अगर मैं बात करूं तो ए और बी के बीच में कभी मेरे को धागा ऐसा दिखा, कभी मेरे को धागा ऐसा दिखा, कभी मेरे को धागा ऐसा दिखा, इसके अलावा तो और कुछ मेरे को दिख नहीं रहा। अच्छा बीच में कभी ऐसा दिखेगा, फिर कभी ऐसा दिखेगा, एंड सो ऑन। तो ये इस तरह का शेप बनता जा रहा है क्या? इस तरह के वेव को ही हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग वेव। अब हो सकता है थोड़ा तूफानी लगे, डायग्राम से समझना है, नोट्स क्या है, एंटी नोट्स क्या है, स्टैंडिंग वेव क्यों बोल रहे हैं, ये सब समझना जरूरी है। अब रह गया इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन आज नहीं स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, कल वाले दिन में एकदम फ्रेश स्टार्ट करूंगा। तो एक या दो दिन में, देखो इस वीक में शायद हर दिन लेक्चर अपलोड करूंगा, शायद हर दिन लेक्चर अपलोड करूंगा संडे तक। संडे को तुम्हारा टेस्ट होगा, संडे को टेस्ट होगा साउंड वेव पूरा, मतलब ये पूरा जो वेव है ना, वेव वेव ऑन अ स्ट्रिंग, साउंड वेव तक पूरा पढ़ा दूंगा। संडे को इसका टेस्ट होगा, हो सकता है सैटरडे तक भी पढ़ाना पड़ जाए, तो सैटरडे तक जो पढ़ाऊंगा वो सबका टेस्ट लूंगा। मैं आज ही बता दे रहा हूँ कि संडे को टेस्ट रहेगा वेव में, पूरा पूरा वेव में। एक बार वेव कंप्लीट हो जाएगा तो अपन क्या करेंगे, फिर स्टार्ट कर देंगे रे ऑप्टिक्स, फिर रे ऑप्टिक्स के बाद वेव ऑप्टिक्स। एक बार इतना कंप्लीट हो गया ना तो मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो बड़े पोर्शन है वो खत्म हो जाएंगे। फिर मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिज्म में कोई भी जो चैप्टर है ना वो चार दिन पांच दिन, चार दिन पांच दिन, खत्म। तो मैग्नेटिज्म ऑलमोस्ट, अगर पूरा पूरा मैग्नेटिज्म बात करूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और पूरा, तो वो मेरे को 15 से 20 दिन लगाने वाला है, या बहुत होगा तो 25 दिन लगेंगे। उसके बाद दो या तीन दिन बचेंगे तो सेमीकंडक्टर्स और वो पढ़ा दूंगा। मॉडर्न अगर टाइम बचा तो पढ़ा पाऊंगा, रेडियो एक्टिविटी पढ़ा दूंगा, एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियस अगर टाइम बचा तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं भी पढ़ा सकता हूं, वो डिपेंड करता है मेरे ऊपर, अगर टाइम बचा तो देखते हैं। इतना रहने देते हैं आज, इतना आप जान लो कि जनवरी स्टार्टिंग या जनवरी का जो स्टार्टिंग वीक है या जनवरी 10 मैक्स टू मैक्स यहाँ तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी एग्जाम शायद फरवरी में होना है, तो मेरा सिलेबस टाइम से खत्म हो रहा है। अब आप देख लो भाई कि आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है, आपकी मर्जी। एंड करते हैं भाई साहब।